ट्रेलर लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है और जिस तरह के गाने हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो कुछ प्रेशर फील करते हैं या कुछ नर्वस फील कि कुछ टाइम के बाद फिल्म आ रही है? नहीं, नर्वस तो फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक मेरे हिसाब से कि ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ है और जैसे आप बोल रहे हो गाने भी अच्छे लग रहे हैं लोगों को, तो बस यही उम्मीद है कि पिक्चर भी सबको वैसे ही पसंद आए। मेहनत बहुत की है और यही कोशिश है कि हमने एक अच्छी पिक्चर बनाई। ये एक कमर्शियल पिक्चर है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनर है विद अ मैसेज है। ये आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे एक क्वेश्चन में, पर मैं पहले पार्ट का बताऊंगी कि मैंने बोला फन है क्योंकि जो रिलेशनशिप है एक फादर डॉटर की, एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ऐसा फादर्स हमेशा अपने डॉटर्स को चिढ़ाते हैं पर, और डॉटर्स हमेशा अपने फादर्स, मतलब दे रैप देयर फादर अराउंड देयर फिंगर, करेक्ट संजू सर? सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल रिलेशनशिप ऑलवेज, और एक यूनिवर्सल रिलेशनशिप है, एक टाइमलेस बॉन्ड है, एक जो एक जो एक पिता का अपने डॉटर की ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। तो दैट इज़ द फन पार्ट ऑफ इट, एंड देन जो व्हाट दे गो थ्रू एंड क्या होता है, एक हादसा होता है उनके साथ, हाउ दे ओवरकम दैट बिकॉज ऑफ देयर लव एंड द वे दे स्टैंड बाई ईच अदर, तो फिल्म उसकी कहानी है। तो देयर वॉज फन ऑल्सो, हमारे जो सीन्स हैं संजू सर मेरे इज़ वेरी एंडियरिंग एंड मुझे ऐसे बहुत रियल लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि एक बहुत इम्प्रॉम्प्टू रिलेशनशिप और केमिस्ट्री है बिटवीन द फादर एंड द डॉटर, सो दैट दैट पार्ट वॉज फन। ऑफकोर्स द स्टोरी इज इंटेंस। मैं एक्चुअली द वे दैट जैसे मुझे बड़ा किया गया है, आई हैव द मोस्ट अमेजिंग फैमिली एंड द मोस्ट अमेजिंग सपोर्ट एंड सपोर्ट सिस्टम, पर इट इज़ ट्रू कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा अपने फैमिली को नर्चर करती है, चाहे वो इवन आफ्टर शी गेट्स मैरिड एंड गोज़ टू अनदर हाउस, हर फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हर एंड शी इज़ विथ हर फैमिली टिल द वेरी लास्ट सेकेंड, एनी थिंग दैट द फैमिली मे नीड द डॉटर विल बी देयर। बट Is it always the case कि एक family अपने बेटी के तरफ same, do they stand by their daughters? I don't know. I hope they do. Because फिर एक लड़की को कभी ये सवाल दोबारा पूछना नहीं पड़ेगा. It should be like that. कि उसका घर जहाँ भी वो रहे उसका घर वहीं होना चाहिए, and even the home that she has left behind should be a home forever. She can't be a homeless person. कि ना यहाँ ना वहाँ, either it's the father's name or the in-law's name, aise nahi hota, she is a person in herself and she should feel like that also. Aur Bhumi, the reason ki mujhe bahut achhi lagi hai and I think it will resonate with every girl in this country is because Bhumi ke jo baba hain, he stands by her daughter like that, he empowers her, wo ek bahut free spirited ladki hai and wo pyar se pali badi hai, respect se pali badi hai, which is why she is the way she is and she has the courage with her father to take on the most difficult circumstances, and we should make our girls be that like that always. There was a recently released film with a similar theme where a daughter goes through physical and psychological traumatic incident and the mother takes revenge. So is there any thought in the back of the mind of the team that there may be some undue comparisons with that film? See, I'll tell you one thing, every film is compared to every other film in the world right from the beginning when the film started. Okay, so there the topic may be the same but the treatment is different, the scenes are different. A father and daughter's bonding is a very very special bonding. A mother and son bonding is a very special bonding, but a father and daughter bonding is something else. And this film has its own feel, has its own content, has its own support system, and has its own love story between the daughter and the father. Thank you.
मैं किसका जवाब दूँ? सर सबसे पहले तो आदिति के फादर प्ले कर रहे आप इस फिल्म में और रियल लाइफ में भी आप फादर हैं, तो आदिति और आपकी बेटी में क्या सिमिलैरिटीज देखते हैं आप, और शूटिंग के दौरान मतलब ऐसा कोई पल था जब आप? वो मेरे में सिमिलैरिटीज तो मैं नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची 6 साल की, अदिति 6 साल की है क्या? लेकिन नहीं, हम लोग ने कभी इसमें कभी मैंने कंपेयर नहीं किया है। ए, मैं अरुण सचदेवा और ये मेरी बेटी भूमि थी, और जिस हिसाब से मुझे उस वक्त फील हुआ मैंने वैसे ही परफॉर्म किया। बाबा, ऑन लोकेशन के दौरान आपने देखा कि अदिति कहती है कि आइए मैं आपके बाल को डाई कर देती हूं, आइए मैं आपके बाल पर गया मैं डाई। जब इस तरह से एक रियल लाइफ में या इस तरह से कोई कहता है कि मैं आपके बाल डाई कर देती हूं, तो क्या फील करते हैं आप इस तरह की? तो डाई करना कौन सी बुरी बात है? एक बेटी और डैडी का रिलेशन। हां, तो मतलब कि छोटे शहरों में ऐसा ही होता है। और मुझे याद है जब मैं जेल में था तो वहाँ डाई नहीं मिला, वो दूसरा मिलता था गोदरेज का, तो ऐसा लगता था कि मैंने वो डांबर लगा दिया दाढ़ी में। तो फिर मैंने वो लगाना बंद कर दिया, बोला कोई डांबर नहीं लगना चाहिए, तो वैसे ही कर दिया। तो एक छोटे शहरों में ऐसा ही होता है, अगर कहीं बाल पे मैं एक पति नहीं लगा तो उसकी पत्नी लगा देती है या उसकी बच्ची लगा देती है, तो ये छोटे शहर की कहानी। बाबा, ये बीइंग अ वेरी टॉपिकल फिल्म कंसीडरिंग टुडेस टाइम्स, डू यू एंड यू हैव बीन लिविंग टू डिफरेंट एरास, डू यू थिंक सर टुडे द कंट्री इज मोर अनसेफ फॉर वुमेन कंपेयर्ड टू व्हेन यू वर यंगर? Yeah, it is unsafe for women, it's unsafe for children. Look at what happened yesterday in the school in Gurgaon. I think it's shameful. It's shameful for something like that to take place in a school with a 7-year-old kid, a child. I mean, you keep reading about these rapes and molestations. I mean, I don't think it's the right thing. I mean, I think people should be educated enough because I believe in women empowerment. I believe in बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई बिलीव इन सेव द गर्ल चाइल्ड, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जब छोटे से लेके बड़े तक मैं हमेशा स्त्रियों के साथ पला हूँ, चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहनें हो या मेरी बीवी हो या बच्चियाँ हो, तो आई मीन आई थिंक वी शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड दिस काइंड ऑफ थिंग शुड बी कंडेम्ड एंड अ फास्ट ट्रैक ऑफ अ जस्टिस सिस्टम शुड टेक प्लेस। अभी इसको जो जिसने अभी ये बच्चे को मारा है उसको आप केस चलाओगे, फिर वो बड़े कोर्ट में जाएगा, उससे बड़े कोर्ट में जाएगा, क्यों भाई? दैट्स ब्रूटैलिटी। सो आई मीन आई थिंक वी हैव टू लुक इनटू आई डोंट नो अबाउट द पास्ट 3-4 ईयर्स, बट आई रिमेम्बर के जब मेरा बचपना था तो ऐसा कुछ हम लोग सुनते भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं ये कुछ अभी क्या हो गया, पता नहीं। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट आई मीन जस्ट इट्स सैड दैट आई मीन पीपल आर गेटिंग मर्डर्ड लाइक दैट, एंड पीपल हु मैटर, पीपल हु आर जर्नलिस्ट्स एंड यू नो पीपल, आई मीन आई जस्ट फील सैड अबाउट इट, यू नो, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट I think that it, today in our country, any voice of dissent is not, you know, taken very well, and that is a problem. But that is so even with girls, like this whole thing of consent, a voice of dissent, anything that is anti-establishment, all that is looked at as a problem, and very these kind of extreme measures are taken. So that is a very very big issue. Okay, Baba, apart from this, you're coming back with this movie, Bhoomi. Any khas shaksiyat industry here? There are so many friends, close friends of yours, which includes a Bachchan. There are so many, you know, Rajkumar and Rani saab and all. Kisi ke liye khas training rakhna chahiye ya kisi ko dikhana chahte hain before the movie? Producer! Baba, what is that?
मैं क्या बोलूँ यार, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ. आई वुड लव इट, आई वुड लव इट. बच्चन साहब और राजकुमार हैं बोथ. व्हाई व्हाई डू वी हैव टू चूज? क्या फीडबैक मिला, क्योंकि हमने देखा ट्रेलर सभी को पसंद आ गया, लेकिन इंडस्ट्री से जो दोस्त हैं उनका क्या फीडबैक मिला आपको, अगर कुछ ऐसा रिएक्शन अगर आप बताना चाहें? पता है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बिकॉज आई फील लाइक व्हेन पीपल कॉल यू एंड टेल यू समथिंग देन इट्स यू नो इट्स समथिंग पर्सनल दैट दे आर इनकरेजिंग यू, कि वो आपको बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपको यू नो आपको इनकरेज कर रहे हैं. तो पर yes, there have been calls from people I least expected calls from, because I don't know them so well, but उन्होंने मेरा number ढूंढ के मुझे call किया, और a lot of them are very very close to Sanju sir, and they told me about it also, कि how close they are to Sanju sir is like family to them. So I feel really lucky कि मुझे ये opportunity मिली to be a part of Bhoomi, to have the opportunity to work with Sanju sir, and that too in a father daughter story. क्योंकि इट जस्ट मेक्स इट एवरीथिंग मोर एंड मोर स्पेशल. सो द फीडबैक हैज़ बीन अमेजिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री जस्ट फ्रॉम पीपल ऑन ट्विटर इंस्टाग्राम फैंस राइटिंग इन, सो इट्स बीन रियली अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग. इवन फ्रॉम द साउथ आई हैव गॉटन मैसेजेस, सो इट्स रियली बीन वेरी वेरी हार्ट वार्मिंग. ओके, सो द वाइब इज रियली पॉजिटिव राउंड ऑफ फिल्म, वेदर इट्स ट्रेलर और टीजर और एवरीथिंग. यू नो लॉन्ग बैक यू हैव डन अ फिल्म कॉल्ड पिता I mean, I just told this gentleman out here, I said like, see, every movie is compared to every movie since the time movie industry started. ठीक है, वही माँ है, वही पिता है, वही विलन है और वही हीरोइन है, वही गाने हैं, तो वो सब आप शुरू से लेके अभी तक देख सकते हो. लेकिन उस पिक्चर की ट्रीटमेंट कैसे होगी, उसमें सीन्स कैसे होंगे, उसमें क्या लाइट पोर्शन होगा, वो सब बहुत डिफरेंट हो जाता है, समझे? तो कंपैरिजन आप नहीं कर सकते. बाबा, यू आर ऑलवेज प्लेइंग वेरी हीरोइक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स. आई थिंक थ्रू द 90s मेनी कैरेक्टर ऑल लार्जर देन लाइफ हीरोइक कैरेक्टर्स. नाउ यू आर प्लेइंग अ फादर टू अ ग्रोन अप, कंप्लीटली ग्रोन अप गर्ल. वाज देयर एवर एनी ट्रेपिडेशन दैट आफ्टर दिस यू मे नॉट गेट टू हीरोइक? Can I please first say that the biggest hero is a father. For a girl, the biggest hero is the father. मैं बोलूँ correct, thank you for this. But in general, those larger maybe you may get typecast. Did you ever think you may get typecast in daddy, father roles? See, I'll tell you one thing. I'm playing a character of a father. I'm playing a character of Arun Sajdeva. I played Hrithik's father in Mission Kashmir, which is about 12 years ago. So I'm playing a character at that time. My mother played Mother India when she was 26 years old. So uske baad kya usko maa ka role mila tha Shri 420 mein? Nahi na. So we are playing characters, and that's how we portray it. Maybe the next movie with her, I may be her kidnapper, isko kidnap karke le jaunga. You never know, you know. I think you're wrong about that. I mean, there are many characters which have been offered to me which are larger than life, and they are heroes, and they are tough, my age kind of guys. Like you see Liam Neeson, or you will see Mel Gibson, Denzel Washington. I mean, these are roles I'm being offered today, which is very good, you know. A tough middle-aged guy, you know. So, aisi baat nahi hai. Plus, abhi Spider-Man ka baap ka bhi role mujhe milne wala hai. Wow! Aapki biopic aa rahi hai, iske saath saath mein Munna ka series ka kya update agar aap batana chahe to? भैया, जो मुझे पता चला है, जो मेरी बातें हुई हैं राजू से या विनोद जी से, कि मुन्ना भाई का स्क्रिप्टिंग शुरू है और अभिजात स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उस पर, और जैसे इसकी शूटिंग ख़त्म होगी बायोपिक की, वो राजू जी उस स्क्रिप्ट पे बैठना शुरू करेंगे. एंड देखिए, अगर आप सबकी प्रार्थना अगर भगवान ने सुन ली, तो अगले साल तक पिक्चर शुरू हो. बाबा, कुछ टाइम पहले एक टीजर आई थी, कुछ साल पहले
क्योंकि मेरे को अमेरिकन वीजा नहीं मिलता है, तो आप चले अमेरिकन, अमेरिका कैंसिल है. थैंक यू. I'm very happy. I'm very happy. Progress, you got to ask Raju ji and unse poochhe progress kya. So being a father and having two daughters, I love them. Are you worried like in the current scenario and things that those are happening? Plus, your movie deals with a very important message that having a girl child doesn't worry you. It'll worry any family, you know. It'll worry any family. I think they should be a tough stand taken against them. Thank you.